नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान दिग्गज बिशन सिंह बेंदी का अचानक निधन हो गया। 77 साल की उम्र में बिशन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बिशन सिंह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर से हर कोई हैरान हो गया है। वह लंबे समय तक भारतीय टीम के कप्तान रहे और उनका नाम धाकड़ स्पिनरों में गिना जाता है। बिशन सिंह भारतीय टीम के लिए 1966 से 1979 तक खेले थे। उन्होंने 22 टेस्ट मैच में टीम इंडिया की कप्तानी भी की है। बता दें कि बिशन सिंह टीम इंडिया के स्पिन चौकड़ी का अहम हिस्सा थे। यह स्पिन चौकड़ी 1970 के दशकों में बेहद मशहूर थी। इस चौकड़ी में उनके अलावा प्रसन्ना, चंद्रशेखर और वेंकट राघवन जैसे कई महान खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं। 12 दिसंबर 1966 को बिशन सिंह बेंदी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 16 अगस्त 1979 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। वनडे करियर की बात करें तो 13 जुलाई 1974 को बिशन सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले में डेब्यू किया था, जबकि उन्होंने अपना आखिरी वनडे मुकाबला 16 जून 1979 को श्रीलंका के खिलाफ खेला था। वहीं दोस्तों, बिशन सिंह बेंदी ने भारतीय टीम की तरफ से 67 टेस्ट मैच खेले। उनका इंटरनेशनल करियर करीब 13 साल लंबा रहा है। इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 266 विकेट अपने नाम किए हैं, लेकिन इस समय दुनिया से अलविदा कह दिया है और उनका निधन ऐसे समय में हुआ है जब भारत में वर्ल्ड कप मैच चल रहा है। क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अब तक की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है, भारतीय पूर्व कप्तान किशन बेदी का निधन हो गया है। आप सभी दोस्तों से विनती है, कॉमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम जरूर लिखें।